गोरखपुर में जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ से प्रभावितों को राहत सामग्री और मेडिकल किट वितरित कर रहा जा रहा है। बड़हलगंज के सरयू नदी में आई बाढ़ के कारण करीब 35 गांव प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की आपदा से ग्रामीण इलाकों का काफी नुकसान हुआ है। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से लोगों को सहायता के लिए तमाम कर्मचारी और अधिकारी लगे हुए हैं। जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश ने लोगों की सहायता और स्वास्थ्य को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया, जनपद गोरखपुर में जो सरयू नदी है यानी घाघरा नदी जो है वो अभी अपने डेंजर लेवल से ऊपर है और आज पानी थोड़ा रिसीट करना शुरू हुआ है, लेकिन पिछले 5 दिनों से पानी एक तरीके से रुका हुआ था। तो इसी कारण जो हमारे बड़हलगंज क्षेत्र के तकरीबन 35 ग्राम जो है वो पूर्ण आंशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें समुचित सहायता राशि सहायता संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज लगभग वहाँ पे 2000 किट के आसपास वहाँ पे राहत खाद्यान्न सामग्री किट का वितरण किया जा रहा है, डीबीटी किट का वितरण किया जा रहा है। साथ ही वहाँ पे जो पशु प्रभावित हैं उन पशुओं के लिए चारे की भी उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। आज लगभग वहाँ पे 125 क्विंटल से 150 क्विंटल के मध्य वहाँ पर आज भूसा वितरण की भी कार्रवाई वहाँ पर हो रही है। तो जो भी वहाँ पे मतलब जो ये क्षेत्र प्रभावित हैं उन क्षेत्र का निरंतर संबंधित तहसील के SDM साहबान और तहसीलदार साहबान लगातार विजिट कर रहे हैं। माननीय विधायक जी ने भी उक्त क्षेत्र का विजिट किया और समुचित जो राहत खाद्यान्न सामग्री किट है या संसाधन है वो लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही वहाँ पर सुरक्षित आवागमन के लिए 33 नावें भी तैनात की गई हैं, जिसमें 3 बड़ी नावें हैं, बाकी 3 छोटी नावें हैं। तो इस तरीके से पूरी मतलब जो भी आवश्यक संसाधन है वो उपलब्ध कराया जा रहा है।